हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपके सामने जो ये चीज़ है ये है वाकया, और इसके पीछे की तरफ आप देख सकते हैं पितल लगा हुआ है। वाकया वन पीस में नहीं होता दोस्तों, काफ़ी लोग ये जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको मैं ये बता दूं। दूसरी चीज़ जो ये है वाकया का सुराग, दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि वाकया मत्थे में लगता है, जो कि निप्पन नली में इस तरह से निप्पन नली को सपोर्ट करता है। दोस्तों वाकया इस तरह से टेढ़ा लगने पर या इस तरह से टेढ़ा लगने पे निप्पन नली फंस के चलेगी। दोस्तों ध्यान रहे कि वाकया की लाइन एकदम इस तरह से सीधी होनी चाहिए जब इसको मत्थे में लगाए, ताकि ये इस तरह से बिल्कुल आराम से ऊपर नीचे निप्पन नली इस तरह से चलती है, कहीं अटके ना दोस्तों। इसी वजह से ये सुराख आगे तक आउट रखा जाता दोस्तों, एकदम सीधा सीधा नहीं बनाया जाता दोस्तों। दोस्तों उसके अलावा ये तो हो गई वाकया की जानकारी। रिपेयर के लिए वाकया के इस हिस्से को आप यहाँ पे टिकला या तीखा पेचकस चोट मार के निकाल सकते हैं दोस्तों, नहीं तो अगर आप नया डालते हैं तो वेल्डिंग, जो गैस वेल्डिंग ज़्यादातर दोस्तों इस मशीन में एक दो हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ हर हाल में वेल्डिंग से ही काम चलता है दोस्तों। ये वन पीस में ऐसा नहीं होता दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों इसको रिपेयर करने की मैं जानकारी दूंगा दोस्तों, आप देख सकते हैं ये इसमें बिल्कुल फिक्स है दोस्तों। पुरानी नली होने के बाद में इस तरह से बबलिंग वाकया कटने की वजह से भी हो जाता है, और अंदर का ये बोर भी अंदर से कट जाता है। ये चीज़ पतली होने से निप्पन नली में हल्की सी चाल आ जाती है, जब निप्पन नली यहाँ से कट जाए तो आप समझ सकते हैं कि निप्पन नली इस तरह से मत्थे में हिलेगी दोस्तों अगर हिलेगी तो आप जानते हैं निप्पन नली टाँकों को लेकर चलती है, जो कि सेंटर नली के जरिए टाँके को कपड़ा बिठा के ऊपर से सेंटर नली टाँका उठाती है दोस्तों। अब जो मैं आपको इसको सेट करने का तरीका बताऊँगा वो ये है कि आप देख सकते हैं कि ये सरिया इसमें जा नहीं रहा है। अब अगर यहाँ तक आप इसका साइज ले लें, जो कि वाकया की ओरिजिनल साइज होती है, वाकया की राड़ की साइज आप इस तरह से भी नाप सकते हैं, और फिर इसको ऐसे काट लें, फिर दोस्तों इसमें इसी साइज का इस रोड का आप देख सकते हैं कि ये रोड मशीनों में कुप्पे में लगी हुई होती है, ये लास्ट स्टेज जब हो तभी ये रोड यूज की जाए। लास्ट स्टेज से मेरा मतलब है दोस्तों कि अब ये नली ख़त्म हो गई है, इसमें जान नहीं रही है, यहाँ से भी कट गई है, ये यहाँ से भी कट गई है। आपने इसको, जो कि मेरी पिछली वीडियो में जिक्र है, ब्लॉक नली को कट लगा के यहाँ से इस हिस्से को आप टाइट कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन अब फिर भी अगर चाल हो ये हिस्सा भी कट गया है, तो इसको संभालने के लिए दोस्तों वाकया की राड यहाँ तक, इसमें यहाँ से यहाँ तक एक इसी साइज का बर्मा डले का दोस्तों। ध्यान रहे बर्मा इससे ज़्यादा बड़ा ना हो, इससे ज़्यादा छोटा ना हो, नहीं तो इसमें ये घुस नहीं पाएगा दोस्तों। दोस्तों दो चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी है, एक तो वेल्डिंग कराते वक्त एकदम सीधा हो, दूसरा अगर ये हल्का फुल्का टेढ़ा हो भी गया है तो इसे इस तरह से रख के हल्की फुल्की चोट इस जगह मार सकते हैं। यहाँ पे मारने से इस राड में अगर बल आ गया तो ये पूरी तरह से बेकार हो जाएगी, राड एकदम सीधी होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आगे की जानकारी मैं मेरे अगले वीडियोज में दूंगा, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने किया हुआ है उनको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।